kaścit priyaḥ strīṇām añjasā svāśiṣātmanām añjasā svāśiṣātmanām patiṁ putraṁ bhrātaraṁ ghnanty arthe ghātayanti. To satisfy their own interests, women deal with men as if the men were most dear to them, but no one is actually dear to them. Women are supposed to be very saintly, but for their own interests, they can kill even their husbands, sons or brothers, or cause them to be killed by others. The whole idea is the society, everybody is self-interested. Self-interested means their interest is on their own self. Woman or man, it's the second issue. The issue is everybody is self-interested. Maybe to a different degree. What is self-interest? I only want to take care of myself. And it is for this reason that whole society is suffering. Jiver Sarup Hoye Krishna Nitya Dasa. That is Lord Chaitanya's order. That every living entity is servant of Krishna. But instead of meditating on Krishna's pleasure, everybody is meditating on his pleasure. Okay? This is called self-interest. Samajh aaya? Self-interest ka matlab? Hum apne hi swarth mein phase hue. Therefore, there is a famous saying by Prahlad Maharaj, Nate vidu swarth gati mi Vishnu. In murkhon ko malum nahi hai kya? Inka asli swarth hai Vishnu. Agar swarthi bhi hona chahte ho, to Vishnu ko pakad lo. Agar swarthi bhi hona chahte ho, Vishnu ko pakad lo, because wohi aapka asli swarth hai. लेकिन किसी को मालूम नहीं, मूर्खों को मालूम नहीं. And the whole society runs on this. Rat race for swarth. जुए की दौड़ स्वार्थ के लिए. उसको क्या मिला? देखो, उसको ऐसा मिला, उसको ऐसा मिला, उसको ये मिला, उसको वो मिला, उसको वो मिला. पूरे टाइम सब लोग स्वार्थियों की दुनिया है और उनके बीच में रेस हो रही है. सब लोग भाग रहे हैं, जैसे 100 मीटर का रेस भाग रहे हैं. उसने ये पकड़ा, उसने ये पकड़ा, उसने ये भी पकड़ लिया, मैं भी पकड़ा, ये भी पकड़ा. जैसे कभी कभी होता है ना, मार्केट में लूट होती है, कभी दंगे हो जाते हैं तो लूट होती है. अच्छे अच्छे आदमी भी जाते हैं लूट करने. मैंने देखा है, फ्री का मिल रहा है, कौन नहीं जाएगा. ये नहीं देखते जिस आदमी की दुकान लूट रही है उसका क्या हाल होगा इसके बाद. कोई नहीं देखता उसको, कोई सोचता भी नहीं. हमारे आगे हुआ था ना एक दिन, ट्रक गिरा था बहुत बड़ा एक, और ड्राइवर की हालत ख़राब है. उस पर लोगों की किसी की ध्यान नहीं है. वो ट्रक था पेप्सी का, पूरा कॉलोनी, अच्छे अच्छे लोग भी अपने बच्चे को भेजे रहे थे, तू भी एक क्रेट उठा ला. खुद जाने में शर्म लग रही थी, तू भी एक क्रेट उठा ला. और सब लोग देख रहे थे, वो दो क्रेट उठा के लाया, वो एक क्रेट उठा के लाया. लूटी मच रही है ना, शर्म नहीं आ रही किसी को. तो सिमिलरली ये दुनिया तो भगवान की है, मूर्ख जो भी उठा रहा है चोर है वो. उसमें क्या कंपटीशन कर रहे हो, ज़्यादा चोरी करना चाहते हो? तो स्वार्थी आदमी कुछ नहीं है, चोर है. एक्चुअली क्या है वो? चोर. सब लोग चोर हैं दुनिया में. तो जितने दिख रहा है बड़ा घर, बड़ा चोर. बहुत बड़ा घर बना है, बहुत बड़ा चोर. सब कुछ भगवान का है, उसने अपने बना लिया. उसको पूछो ये घर किसका है? मेरा है. चोर, बड़ा चोर. करेक्ट. हुआ नहीं हुआ? आपके बैंक में से पैसे निकल गए सब. या सपोज वो पेप्सी वाला आदमी, सब मालिक आए, घर से घर ढूंढ रहा है, तो बोला गया पेप्सी किसकी है? मेरी है. कितने क्रेट है? 5 क्रेट है. बड़ा चोर. होगा नहीं होगा? जिसने ज़्यादा लिया बड़ा चोर है. तो इस दुनिया में घमंड किस चीज़ का है? सभी चोर है, चोरों की दुनिया है. और प्रभुपाद जी बोलते हैं चोर खुश कैसे हो सकता है? संभव है क्या? चोर खुश हो सकता है क्या? अभी नहीं, उसको डंडे पड़ेंगे.
इसलिए चोर खुश भी नहीं है, बहुत तंग है, बहुत डिस्टर्ब है। चोरी करके मन भी डिस्टर्बेंस होता है, आप पूरा मन पूरा आपको बाहर से डंडे भी पड़ते हैं। चोर कभी शांत नहीं हो सकता, उसको प्रकृति शांत नहीं होने देगी। चोरी करके तुम आ गए, मन में हमेशा डर रहता है आज पकड़े जाएंगे, आज पकड़े जाएंगे, ये चोर की प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी बताते हैं उनके टाइम में एक बार बहुत बड़े पुलिस आई उनके एरिया में, तो प्रभुपाद जी बाहर आए, क्या हुआ? बोले देखो भग रहे हैं ना चार लोग, क्यों? एक्चुअली उनसे काम नहीं है हमको आज, किसी और से काम है, लेकिन बिकॉज हम मालूम है वो चोर है, मतलब होता है ना उनका नाम लिखा रहता है हमेशा, इसलिए देखो हमको देखते ही उनको भय लगता है। इसलिए सदा समुद्विग्न धियाम असतग्रहात, इस दुनिया में सब लोग टेंशन में है। भयम द्वितीय अनुवेशता शात ईशद अपित्य विपर्यह स्मृति ही। जैसे ही आपकी मेंटालिटी कृष्णा के विपरीत हो जाती है, भय सामने शुरू हो जाता है। क्यों भाई? चोर को तो भय लगेगा ही ना, कभी चोर शांत हो सकता है? रात को अभी पकड़ा गया, आगे आज पुलिस आ गई, होता नहीं होता, आपको एक्चुअली मेंटालिटी होती है अभी पकड़ेगा, पक्का पकड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से रहना पड़ता है हमको इस दुनिया में। हाँ, अगर चोरी करोगे तो, मैंने एक आदमी को पूछा था, मैंने एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैंने कहा आप ऑनेस्ट है या चोर हो, सच में बताओ, रिश्तेदार है? बोला नहीं मैं ऑनेस्ट हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या फ़ायदा आपको ऑनेस्ट होकर, सब तो चोर हैं। नहीं, फ़ायदा है जब मैं घर आता हूँ अपने शांति से अपने बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ, वो उस शांति मिल रही है मेरे को, खुशी है, मेरे को डर नहीं है किसी का, मैंने कभी गलती नहीं किया। और अगर मैं चाहूँ मिनिस्टर को अभी अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल सकता हूँ, कोई मेरे को पकड़ नहीं सकता, और मैं नीचे मेरे सारे लोगों सबको जेल के अंदर, मेरे को किसी से डर नहीं है, क्योंकि मेरे कैरियर में एक भी आप खोट नहीं ढूंढ सकते, ठीक है ना? तो चोरी नहीं करोगे तो शांति मिलती है। लेकिन इस दुनिया में तो सभी चोर हैं, सभी चोर हैं इस दुनिया में, शांति कैसे होगी? इसलिए सब अशांत हैं, चोरी करके शांत नहीं बैठ सकते आप। क्या चोरी है? अब हो सकता है आप युधिष्ठिर महाराज के घर में जाएंगे, बहुत बड़ा किला है ना, सोने का सिंहासन होगा, सारे बर्तन हो सकता है उसमें, तो सारे सोने के ही होते थे, खाते भी सोने की प्लेट में है, और एक बार ही खा के उस प्लेट में भी दोबारा नहीं खाते, उसको फेंक देते हैं, नया प्लेट लाओ कर, ऐसे सेट में। लेकिन उसको पूछो ये प्लेट किसकी है, कृष्णा की है, ये घर किसका है, कृष्णा का है, तो चोरी नहीं कर रहा हो। जैसे मेरे पास एक रुपया है तब भी मैं चोर हूँ, अगर मेरा पैसा आके पास एक करोड़ रुपया है, लेकिन किसका है, कृष्णा का है, कृष्णा के लिए यूज करूंगा, तो आप चोर नहीं है। ईशावाशमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सब पैसा कृष्णा का है, अगर ये समझ लो तो चोर नहीं है। और लेकिन समझने की बात नहीं, उसको यूज भी उसी के लिए करना, बोलो सब पैसा कृष्णा का और अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज करो, तब तो आप चोर हो। मैं सारी क्रेट उठा के लाऊं पेप्सी की, ये कंपनी की बिलोंग करती है, हाँ गड़गड़ पी रहे, तो चोर हो आप, आपका थोड़ी हो, वो तो कंपनी का, वापस कर दो। तो इस दो तरह के लोग होते हैं, हाँ, एक आदमी होता है उसको बोलते हैं भोगी, वो पूरी दुनिया को देखता है भोग करने के लिए, वो चोर है। एक त्यागी, त्यागी थोड़ा अजीब वैरायटी का आदमी है, वो चोरी नहीं करता, लेकिन वो क्रेड नीचे पड़ी वहीं पड़े रहेगा। और भक्त सबसे बड़ा आदमी क्या करेगा, कंपनी को कॉल करेगा, आपकी गाड़ी गिर गई इधर, अपना सामान आप ले जाइए। अरे अभी कहीं पर हुआ है नॉर्थ कर्नाटका में, वो जमीन में कुछ घर बनाने के लिए गड्ढे कर रहे थे, सडनली सोने के कॉइन मिले, सोने के, सिंपल विलेजर्स हैं, पुलिस को फ़ोन किया वापस दे दिया, 30-40 कॉइन पुराने ज़माने के, एक एक का वैल्यू वो होता ना एंटीक का, बहुत भयंकर वैल्यू होता है, सोने का ही वैल्यू बाहर से होता है और एंटीक का तो वैल्यू करोड़ों में चला जाता है, गवर्नमेंट को दे दिया, सिंपल लाइफ इज सिंपल, उनको कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये तो हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जितना अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए उससे हमको खुश रहना चाहिए। याद है कुछ 25 साल पहले हम लोग नेपाल गए थे, तो कुछ जॉब थी किसी की, हम वहाँ रह रहे थे, तो वहाँ जो सर्वेंट था उसको बोला हम जा रहे हैं अभी नेपाल छोड़ के, डेपुटेशन में आए थे, आपको ये सब ले लो, फ्रिज टीवी जो खरीदा आप रख लो। नहीं चाहिए मेरे को, मैं खुश नहीं लिया। सामने की दुकान थी,
तो हमने बोला भाई क्या हुआ आपकी दुकान तो ज़्यादा टाइम बंद ही रहती. हाँ, दो महीने में मेरा साल का खर्चा हो जाता है, काफ़ी है. आजकल ऐसा लोग नहीं रहा, अब इतना ग्रीड है. ग्रीड मतलब इतना लोभ है, इतना लोभ है. सब चोर है, कितना भी चोरी करता तब भी संतुष्ट नहीं होता. अब दस घर में 10 क्रेट लाए पेप्सी के, कितना पियोगे बाबा, फिर भी 10 और ला रहा है. उसको बोलते हैं ना लोभ. उसको कभी भी ग्रीड इतना है सोसाइटी में. सो ये सेल्फ इंटरेस्ट से आदमी कभी भी शांत नहीं हो सकता. क्यों? चोर शांत नहीं हो सकता. देखो नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु. असली तुम अगर खुश होना चाहते हो तो विष्णु के पैर पकड़ लो, तब आपका असली स्वार्थ है. ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गया. दूसरा चीज़ समझ लीजिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम केवल शांत. जो सेल्फ इंटरेस्ट, श्रीधरा, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, भुक्ति, जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं लोग, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है. मुक्ति, कुछ लोग को मोक्ष चाहिए, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है. एंड सिद्धि, कुछ लोग को सिद्धि चाहिए. तीन तरह के लोग हैं इस दुनिया में. कितने तरह के लोग हैं? कौन? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि. ये कभी भी शांत नहीं हो सकते. क्यों? तीनों चोर हैं, तीन तरह के चोर हैं. भुक्ति क्या चाहिए उसको? इंद्रिय भोग चाहिए, तो तरह तरह की वस्तु पकड़ के घर में ले जाता है चोरी करके. है इस दुनिया से सारे साइंटिस्ट चोर हैं इस दुनिया में. क्या कर रहे हैं? जमीन से उखाड़ के ले जा रहे हो. आपका है क्या? किसने हक दिया आपको उठाने का? पेट्रोल निकाल रहे हैं. किसने परमिशन दिया आपकी? आपकी है कि जमीन है? कृष्णा की जमीन है, आप नहीं छू सकते. सिद्धि, ये क्या करते हैं सिद्धि वाले लोग? कुछ पावर्स चाहिए, ये भी भगवान से चोरी करो. सब कुछ भगवान का है. मुक्ति, मोक्ष चाहिए. अरे भगवान के सेवक हो, सेवा करो. नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. तो ठीक है, तुम आत्मा हो, आत्मा का काम तो करो. ये प्रॉब्लम है ना मुक्ति वाले लोगों से. मुक्ति वाले लोग इतना नहीं समझते. अरे मैं इंद्रिय भोग तो रोक देते हैं, चोरी करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर आप तो भगवान के सेवक हो ना, आत्मा का तो स्वरूप है भगवान का सेवक, सेवा करो. नहीं, इतना ही काफ़ी है, मैं आत्मा हूँ. अरे आत्मा हो तो आत्मा का काम तो करो. अगर आप आत्मा हैं, चलो आपको समझ आ गया आप शरीर नहीं हैं, तो जितनी भी वासनाएं काम शरीर के थ्रू आ रहे थे, आपने उनसे मुक्त हो गए. नहीं करेंगे मैं सब, करेक्ट? शरीर के थ्रू आता है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब शरीर की इच्छाएं हैं. आत्मा को ये सब नहीं चाहिए. चलो थोड़ा खाना खा ले जितना चाहिए, ठीक है, ये सब कंट्रोल में रखा. बट आपको जब ये ज्ञान हो गया कि आप शरीर नहीं आत्मा, आत्मा का काम क्यों नहीं करते आप? क्या कर रहे हो? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. मैं शरीर नहीं आत्मा हो, तो आत्मा का काम तो करो. पर नहीं करते लोग. मैं आत्मा, आत्मा, और खुश होकर घूमते रहते हैं, तो वो भी गलत है. तो तीनों लोग ये तरह तरह के मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, चोर हैं. खाली भक्त शांत रहता है. क्यों? निष्काम, उसको कुछ नहीं चाहिए. तो जैसे ही प्रभुपाद जी बोले थे, जिस दिन मेरे मूवमेंट में सेल्फ इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा, ये मूवमेंट टूट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा इस मूवमेंट में. इस कौन मूवमेंट में क्या रहेगा? अगर सब लोग सेल्फ इंटरेस्ट शुरू कर गया, मूवमेंट बंद. मेरे को ये चाहिए, उसको ये चाहिए, खत्म. हम तो भगवान की सेवा के लिए आए थे, ये क्या हो गया हम लोगों का, है ना? तो ये स्थिति से बच के रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारा शरीर और मन इसी प्रकार भगता है. हम बधे हुए अभी इस शरीर और मन से, और ये शरीर मन ऐसा ही भगता है, इसको थोड़ा दूर रखने का. करेक्ट? जैसे मन में विचार आता है, आएगा, बिकॉज इट्स भौतिक मन है. भौतिक मन का काम ही सेल्फ इंटरेस्ट है. करेक्ट? छोटे बच्चे को कुछ भी दो अपने मुंह में डालता, क्यों? काम ही सेल्फ इंटरेस्ट है उसका. उसको बहुत धीरे धीरे समझाता है, बेटे अपने मुंह में नहीं डालो, दूसरे भाइयों के मुंह में भी डालो. पर नेचर हमारा डिज़ाइन ही सेल्फ इंटरेस्ट का है. सबसे पहले अपनी जान बचाना चाहता. लो बहुत बड़ी देखा ना, बड़ा एक्सीडेंट होता है, अरे मैं बच गया, अरे तुम तो बच गए, उधर देखो ना इतने लोग मर गए, उसको चलता है, मैं खुश हूँ, है ना? दूसरे का नहीं सोचता, अपना ही सोचता. ये हमारा वीकनेस है. दिस इज़ अ वीकनेस वी हैव.
एंड ये वीकनेस किस लिए है, क्योंकि हम एक मन में बधे हुए हैं और मन का नेचर ही ऐसा है. हाँ, सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए सब लोग काम करते हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी लिफ्टेड ओनली बाय प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे आदमी भगवान की सेवा में, सेवो उन्मुखे जीवा दो. कोई प्रभुपाद को पूछने गया कि प्रभुपाद जी कैसे मैं आपको खुश कर सकता हूँ, प्रभु जी आपका ये सेवा भाव ही मेरे को खुशी दे रहा है. एक्चुअली भगवान हमारी सेवा भाव से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सेवा का भाव होना चाहिए. प्रभुपाद जी बोलते थे अगर सेवा भाव चला गया तो ये इतने बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं गोडाउन बन जाएंगे. बस ये मंदिर किस लिए, यहाँ सेवा भाव है. ग्रेट, क्या चीज़ है जो घर को और मंदिर को फर्क करती है? घर में सेल्फ इंटरेस्ट है और यहाँ पे सेवा भाव है. करेक्ट, और जितना सेवा भाव बढ़ता चला जाएगा उतना मंदिर का भाव आता रहेगा, और जितना सेल्फ इंटरेस्ट में आप लोग फंसते जाएंगे वो एक घर बन जाएगा. कह रहे किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो दैट शुड बी देयर कि यहाँ हम आए कल्टिवेटिंग आवर डिजायर टू सर्व कृष्ण. वी आर कम ओनली फॉर दैट पर्सन पर्पस टू कल्टिवेट, बिकॉज कृष्ण टू दैट प्रपोर्शन कृष्ण विल रिवील अस. ये यथा माम प्रपद्यन्ते साम तथैव वजामि अहम्. ये श्लोक है, ये यथा माम, जितने डिग्री में आपका सेवा भाव बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथमेटिक्स में होता है ना प्रोपोर्शनल एक फिगर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डिग्री कृष्णा विल रिवील. जितना चोरी का भाव कम होगा उतना डिग्री में आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी, और जितने बड़े चोर हम बनेंगे उतना कृष्ण अदृश्य हो जाएंगे. करेक्ट, समझ रहे हैं ना, ये दुनिया है चोरों की दुनिया, सब हम चोर हैं दुनिया. तो अपना सेवा भाव बढ़ाने की कोशिश करिए, और सेवा भाव बढ़ाएंगे तो एक दिन आएगा कृष्णा आपकी जेब के अंदर आ जाएंगे प्रेम से आपको. ही फुली एक्सेप्ट यू इन द हार्ट एंड आपको जीवन सफल हो जाएगा. कृष्ण का एक्चुअली हमको क्या जीतना है, कृष्ण का दिल जीतना है. हम इसीलिए आए हैं सब लोग. किस लिए आए हो? कृष्ण को तंग करके यहाँ आए हैं, अभी वापस जाना है, तो उनका दिल जीतना है ना. तंग करके तो आए हैं, अभी हम सरदर्द हैं, अभी हमारी क्रिया, हमारी सो कॉल्ड लीला ऐसी है कि भगवान को सिरदर्द होता है. ओ वाह, फिर से ये किया उसने, क्या बोलता है, ये बोलता है आजकल वो. ओ वाह, इतना अहंकार, इतना घमंड, सारे छः के छः सब कुछ है, इतना काम उसके दिल में. अपा, इतना क्रोध, इतना लोभी है वो. तो अगर कोई किसी का बेटा ऐसा होगा तो खुशी होती है, सिरदर्द होता है? बताओ, सिरदर्द होगा नहीं किसी बाप को? सब लोगों के सामने कभी कभी क्या होता है, बेटा उल्टा हो तो क्या करें, सिरदर्द होता है. तभी तो हम सिरदर्द है भगवान को, क्या है, सिरदर्द. और उससे आप बदल के भगवान का दिल जीतना चाहते, भगवान प्रेम से बोले कहाँ है मेरा बेटा, इतना सुंदर किधर है. तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना. तो जितना चोरी का इंटेंशन कम होगा उतना हम भगवान को प्रेम करना शुरू करेंगे. करेक्ट, और भगवान ही रेसिप्रोकेट करेंगे. और एक दिन जब आप भगवान का दिल जीत लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, फिर आप भगवान वैकुंठ धाम, भगवत धाम जाने की तैयारी होगी. श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktivedanta Ki.